आज हम मौजूद हैं शिवनी जिला के ग्राम पंचायत देवरी कला में। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक दादी बैठी हुई हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट मक्का के वड़ा बनाती हैं। आपने सभी लोगों ने उड़द की दाल के वड़े तो खाए होंगे, लेकिन आज आइए हम आपको मक्के की दाल के वड़े बनाते हैं, किस प्रकार से बनते हैं और बहुत ही चाव से खाते हैं लोग मक्के के वड़े। तो चलिए हम दादी से ही जानेंगे किस प्रकार के मक्के के वड़े बनाए जाते हैं, क्या क्या सामग्री लगती है और लोग कितने चाव से इसको खाते हैं। तो मक्का के वड़ा कैसे बनाती हैं आप? मक्का के वड़ा उन्हें टोराते हैं, छीलाते हैं, पीसाते हैं, फिर बनाते हैं। कौन से मौसम में बनाती हैं मक्का के वड़े? ज्यादातर कौन से महीने में बनाए जाते हैं? इन दो महीने में ही क्यों बनाते हैं? तो कैसे बनाती हैं आप मक्का के वड़ा? मक्का के वड़ा हम झाड़ में लगी रहती हैं, लगाते हैं, फिर उन्हें पाला था, पाल नोई है, फिर उनके बड़े भाई फिर उन्हें दाना छीले तोड़े, फिर उन्हें एक एक दाना करके साफ करके बांटे, फिर उन सब मसाला डाले, फिर वड़ा बना। क्या क्या मसाला लगता? सब लगाते हैं, हल्दी, जीरे है, मिर्ची है, धनिया है, अदरक है, जो अपन बड़ों में डाला तो वही सामान डाल, और फिर जे और कच्ची लगे डाल। तो जो उड़द की दाल के बड़े बनते हैं और ये दाल के बनते, ये हाँ, मक्का के बनते, इनमें क्या अंतर है, स्वाद कैसा रहता है? स्वाद ऐसा रहता है कि उनके बाद दूसरी स्वाद, जो एक और मक्का का दूसरा स्वाद, अलग अलग स्वाद है। ये बड़ा सबकी बस की बात नहीं है, टूटाते हैं फूटाते हैं, वो तो अपनी अपनी बा है। आप बना लेती हैं? हम बना लेती हैं। तो फिर कैसे खाती हैं इनको? टूटू और खात कैसे खेद, चटनी पीस लो, टमाटर की ने, फिर मसाला सब डरो ही रहता है, जेकी मन से जैसी खान कीजिए। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।